11 देखिए, तो 11 का हम लोग यहाँ LHS लेते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, पाई बाई 8 का मतलब 22.5 डिग्री है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, फिर इंटू में 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, फिर इंटू में है 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। चलिए इसको ऐसे रखिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 प्लस कॉस, आप चाहे तो यहाँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 नहीं कर सकते हैं, एलसीएम लेके घटेगा ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, एलसीएम लेके घटेगा 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू में है फिर 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, फिर इंटू में 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। देखिए एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में, यहाँ भी एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में, 3 है ना, माइनस प्लस में है दोनों जगह, यहाँ भी प्लस में यहाँ माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ कॉस को साइन में बदलते हैं। ठीक है, कॉस है इसको साइन में बदलते हैं, तो इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, इतना कर सकते हैं कि नहीं, समझ रहे ना बात को, आप एलसीएम लेके घटाइएगा ना तो 3 पाई बाई 8 ही आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री, और 22.5 का तो आपको वैल्यू निकालना सिखाए थे, याद है आपको, तो 1 माइनस कॉस 22.5 डिग्री का होता है, क्या होता है 22.5 का, रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। फिर यहाँ भी उसी तरह से साइन में 22.5 का होता है, रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 बटा 2 का, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, चलिए स्क्वायर से रूट हटाएंगे ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, ये वाला रूट हटेगा, नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ भी उसी तरह से 1 माइनस 2 माइनस रूट 2 बटा में 4, दोनों जगह एलसीएम लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ भी इसी तरह से 4 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस रूट 2 हो जाएगा, समझ ना बात को, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 बट्टा 4, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 बट्टा में 4। अगले स्टेप में ऊपर देखिए एक बार माइनस प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिएगा, और नीचे देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ऊपर 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 बट्टा में 16, घटेगा तो 2 बट्टा 16 काट देंगे ना, 1 बट्टा 8 आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। चलिए